हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिवानी और मैं आपके साथ लेके आई हूँ चिकन बिरयानी की रेसिपी। चिकन बिरयानी में तो बहुत सारी चीज़ें डलती हैं तब जाकर वो तैयार होती है, जिसके लिए हमें घर में बनाना बहुत ही ज़्यादा ऑफर फील होता है, इसलिए हम बाहर जाकर ही ज़्यादातर चिकन बिरयानी खाते हैं। तो देखिए मेरी चिकन बिरयानी कितनी टेस्टी और हेल्दी लग रही है देखने में आपको, लेकिन आपको यकीन नहीं आएगा कि ये दो चीज़ों से बनकर तैयार हुई है। सो देखिए इसका टेस्ट देखिए, और ये अच्छे से पक चुका है, देखने में कितना यम्मी लग रहा है, लग रहा है बिल्कुल रेस्टोरेंट से मंगाया हुआ है। तो चलिए बनाना इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें कुकर चढ़ाएंगे, कुकर चढ़ाने के बाद हम डालेंगे सरसों तेल, सरसों तेल डालने के बाद हम इसमें डालेंगे प्याज, प्याज डालने के बाद हम इसमें उबला हुआ चिकन डालेंगे। उबला हुआ चिकन हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि ये जल्दी से पक जाए। चलिए अब यहाँ पर हम डालेंगे मसाले, हमें यहाँ पर नॉर्मल मसाले डालने हैं, हल्दी, मिर्च और धनिया, जैसे कोरिएंडर, रेड चिली या टर्मरिक भी बोल सकते हो, और थोड़ा सा जीरा और गोलकी का पाउडर और लहसुन का पेस्ट मैंने साथ में ही बना दिया। और इसको मिनिमम 10 मिनट तक हमें भूनना है। 10 मिनट के भूनने के बाद जब इसका तेल अलग हो जाएगा तब हम इसमें गर्म मसाला डालेंगे। यहाँ पे मैंने डाला है एवरेज का चिकन मसाला और स्वाद के अनुसार नमक। अब इसको डाल के मिनिमम 5 मिनट तक पकने देंगे, फिर उसके बाद इसमें हम डालेंगे एक टुकड़ा बटर का, फिर उसमें से हम यहाँ पे पके हुए इंडिया गेट चावल को इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने आधा किलो चिकन लिया है, जिसमें मैंने 250 ग्राम चावल डाला है, फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे बटर का टुकड़ा। यहाँ पे 4 टुकड़े हम बटर का डालेंगे, आप जितना चाहो वहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर आपके पास बटर नहीं है तो आप घी भी डाल सकते हो। सो इसके बाद हम इसमें डालेंगे कलर। सो कलर मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर लिया है और एक येलो कलर लिया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर डाला है, उसके बाद हम यहाँ पे ऑरेंज कलर डालेंगे। आप इसके अलावा जो भी आपको कलर पसंद हो वो आप डाल सकते हो। सो ये देखिए यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर लिया है, इसको भी हम डाल देंगे। आप इसकी जगह हल्दी भी डाल सकते हो, बट ऐसे डालने से ना एकदम रेस्टोरेंट जैसी बिरयानी लगती है। तो देखिए इसको 2 मिनट तक भाप लगने देंगे हम, इसको ढक के रखेंगे, स्टीम जैसे कहते हैं ना उसे स्टीम कर देंगे हम। और ये कुकर में मिनिमम 15 मिनट लगते हैं चिकन बिरयानी को रेडी होने में। सो देखिए ये एकदम सुंदर लग रही है और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए अपने चिकन बिरयानी को हम प्लेट में निकालते हैं, उसको हम प्लेट में निकालेंगे। आप देख सकते हो इसमें खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। आप इसे इस तरह से सर्व करेंगे बना के तो कोई नहीं कहेगा कि आप रेस्टोरेंट से लाएँ या फिर घर में बनाएँ। सो ये देखने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है, खाने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है, और ये बिल्कुल घर के मसालों से ही बनी है, बाहर से हमने कुछ भी नहीं इसमें डाला है। सो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू।